हेलो गाइस, वेलकम टू क्राफ्ट एंड किचन विद स्मिता। आज हम बनाएंगे घर पर पड़े बेकार ऊन और रिबन से ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ड्रीम कैचर। हर किसी के घर में कहीं ना कहीं ऊन पड़ी होती है, स्वेटर सबके घर में बनते हैं, तो ये बिल्कुल बेकार वेस्ट ऊन से बना हुआ ड्रीम कैचर है और बिल्कुल कॉस्ट इफ़िशेंट है। तो मेरे पास ये एक रिंग रखा हुआ था, अगर आपके पास रिंग ना हो तो आप वायर को राउंड में मोड़ के इस तरह का रिंग बना सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले मेरे पास ये शेडेड ऊन रखी हुई थी जो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में थी, तो मैंने सबसे पहले इसको गोल गोल इस पर घुमाना शुरू किया था और इस रिंग के चारों ओर लपेटना शुरू किया था। तो जब मैंने शुरू में इसको लपेटना शुरू किया तो मेरा ऊन का गोला पड़ा था, तो बार बार ये अटक रही थी, तो मैंने थोड़ी देर बाद इसे कट करके थोड़ा सा छोटा कर दिया था ताकि ये उलझे ना और ये आसानी से इस लूप के चारों ओर घूम जाए। और मैंने इसको चारों तरफ लपेट लिया था क्योंकि मेरी ऊन शेडेड थी, तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे अलग अलग कलर का इफ़ेक्ट आ रहा था। आप देख सकते हैं कहीं पर रेड, कहीं पर पिंक, कहीं पर ग्रीन, कहीं पर स्काई ब्लू। और मैंने इस रिंग को चारों तरफ लपेट के फिनिश कर दिया था और इसी ऊन से ऊपर इसकी नॉट लगा दी थी और इसका हुक भी बना दिया था इसका, ताकि इसको टांगने में आसानी रहे। इस तरीके से मैंने इसका हुक बना दिया था। अब मैंने दूसरी ऊन की काट यहाँ पे लगाई थी और उससे मैं अंदर का नेट बनाने वाली थी, तो मैंने इसको अच्छे से टाइट गांठ लगा ली। और आप देख सकते हैं इस तरह से जैसे गांठ लगती है, मैंने इस तरह से इसको अंदर से बाहर निकालते हुए गांठ लगा के छोटे छोटे से ड्रीम कैचर के नेट को बनाना शुरू किया। थोड़ा सा आपको एक बार समझना पड़ेगा, उसके बाद ये बहुत इजी है और इसको करने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि मेरी ऊन में रेशा ज़्यादा था तो ये बहुत उलझ रही थी। आप बिना रेशे वाली ऊन लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, या आप कढ़ाई वाली जो ऊन आती है उससे भी बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर मैंने इस ऊन को काट लिया था क्योंकि जितना बड़ा गोला था वो इस छोटे छोटे होल से निकल नहीं पा रहा था, तो मैंने इसके बाद इसको ऊन को कट कर लिया था ताकि आसानी से, और छोटे गोले को बना लिया था ताकि आसानी से इसके अंदर से बाहर निकल सके। आप देखेंगे एक बार नॉट लगाने के बाद यहाँ पे जब इसका पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे आपको दोबारा से इसको गांठ लगा के बांधना पड़ेगा और एक नई गांठ से दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी जो इसके सेंटर से होके बनेगी। इस तरह से मैंने पूरे पूरे रिंग को ऊन से कवर किया था और अब मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करके दिखाती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत जल्दी बन जाता है। और बस आपको इस तरह से फंसाते हुए इसमें गांठ लगाते हुए जाना है क्योंकि मेरे पास यही ऊन रखी। इसी तरीके से इसको फंसाते हुए हम पूरे रिंग में लूप और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए जाएंगे और एंड में इसको कंप्लीट कर देंगे। ये बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखने में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर जब आप इसे बनाने लगेंगे तो ये बहुत ही ईजी है। या फिर अगर आप इससे नहीं बनाना चाहते तो आप क्रोशिया का बना बना रेडीमेड नेट ले सकते हैं, उससे इसे कंप्लीट कर सकते हैं, या आपको कुछ और क्रिएटिविटी समझ में आए तो आप इसे बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद मैंने इसे क्रिस क्रॉस जहाँ भी समझ में आया वहाँ पे मैंने इसको फंसा दिया था और इस टाइप का ये मेरा पूरा फाइनल कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने तीन बीड्स लेके इसके सेंटर में टाई कर दिए थे क्योंकि मेरे पास मैंने पिंक कलर की ऊन का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने इसके बीच में येलो कलर के बीड लगाए थे। और उसके बाद मेरे पास ये रिबन पड़ी हुई थी जो मैंने पिछली बार लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई थी उस पर बची हुई थी, तो मेरे पास कंट्रास्टिंग कलर की ये रिबन पड़ी हुई थी। तो बस सिंपल आप इसे फंसा के इस टाइप से गांठ लगा के निकाल लेंगे। आपके पास अगर पुरानी पॉम पॉम वाली लेस पड़ी हो या कोई भी पुरानी लेस पड़ी हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। मेरे पास ये रिबन पड़ा हुआ था जो बचा हुआ था, तो मैंने बिल्कुल बेकार बची हुई चीज़ों से इसको बनाया था और इस टाइप से बस इनको फंसा के निकाल लिया था। मेरे पास थोड़ा ज़्यादा था रिबन तो मैंने अल्टरनेट उसके इस टाइप से लगा ली था। अगर आपके पास फैदर पड़े हों
तो आप बीट्स और फेदर का भी इसमें अल्टरनेट लगा सकते हैं उसको अटैच करके। और ये कुछ फोम शीट के फ्लावर्स पड़े हुए थे तो मैंने इसके एक किनारे पे उनको लगा दिया था, तो मैंने इसको अल्टरनेट अरेंज कर दिया था ताकि ये क्यूट लगे। आप ज़्यादा, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो आप उनसे बनाने की कोशिश करिए कि आप जाके कुछ खरीदें फिर आप इसे बनाएं। और एंड में मेरे को थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट लग रहा था तो मैंने इस जगह जगह पे स्टोन इस पे चिपका दिए थे, और मेरे पास एक रबर बैंड का वो पड़ा हुआ था तो वो मैंने इसके सेंटर पे लगा दिया था। मैंने इस क्राफ्ट के लिए एक भी चीज़ नहीं बाहर से ली थी, कम्प्लीटली जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी उससे मैंने इसको बनाया था। और आप देख सकते हैं मेरे पास ग्रीन लीफ नहीं थी तो मैंने सदाबहार की पत्तियों का यूज़ कर लिया, उसके बाद मैंने इसमें बाद में ग्रीन लीव्स ला के लगा दी थी लेकिन उस टाइम नहीं था। तो आप देखिए आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा, और साथ साथ मुझे और भी आइडियाज देते रहिएगा, ज़रूर बताइएगा इसके बाद मैं आपके लिए किस टाइप से वीडियोस लेके आऊँ और कैसा क्राफ्ट आप देखना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक